जीआई सर्जरी डिपार्टमेंट में फॉलोअप के अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप एम्स की वेबसाइट पर जाके फॉलोअप को कैंसिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल पे आके टाइप करना है एम्स, इसके बाद आपको पहले वाले जो रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक करना है। इसके साथ ही आप एम्स की वेबसाइट पर आ जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपॉइंटमेंट का, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। इस वाले पे क्लिक करते ही आप पहुँच जाओगे एक नई वेबसाइट पे जिसका नाम है ors.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चाहो तो वहाँ पे क्लिक करके सीधे वेबसाइट पे आ सकते हो। इस पे आने के बाद आपको पहले इसको हटाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बुक अपॉइंटमेंट नाउ का, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो इसके लिए हम चूज करेंगे दिल्ली को। इसके बाद हमें हॉस्पिटल चूज करना है एम्स न्यू दिल्ली, तो इसको चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको आना है, आपको इतने सारे ऑप्शन में नीचे मिलेगा कैंसिल अपॉइंटमेंट का, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, हॉस्पिटल आपका होगा एम्स न्यू दिल्ली, और यहाँ पे आपको जो सर्च क्राइटेरिया है यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, वो बाय अपॉइंटमेंट आईडी, बाय UHID, बाय मोबाइल नंबर। ये तीनों ही चीज़ में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने जो अपॉइंटमेंट है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे UHID के से रिलेटेड। आपको मोबाइल नंबर से कैंसिल कैसे करना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, किस तरीके से आप मोबाइल नंबर के थ्रू फॉलोअप को कैंसिल कर सकते हो, लिंक आपको आइकन बटन पे मिल जाएगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं UHID के अकॉर्डिंग, आप UHID के अनुसार किस तरीके से अपने फॉलोअप को कैंसिल कर सकते हो। तो जल्दी से आप UHID नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। इसके साथ ही आपको यहाँ पे फिर कैप्चा फिल करना है एंड देन प्रोसीड कर देना है। तो कैप्चा डाल देते हैं और इसके साथ ही फिर हम प्रोसीड कर देंगे। इसके साथ ही मेरे फ़ोन में OTP आ चुका है, इस OTP को मैं यहाँ डालूँगा और इसके बाद मैं वेरीफाई कर लूँगा। वेरीफाई करते ही यहाँ पे एक इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्शन के नीचे जो रेड कलर का है, इस पे आप कर्जा ले जाओगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा कैंसिल अपॉइंटमेंट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक छोटा सा पॉपअप मिलेगा और ये आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि आप अपने अपॉइंटमेंट को कैंसिल करना चाहते हो, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे इसके साथ ही यह दूसरा पॉपअप आएगा और यहाँ पे जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आने के लिए ये आपको अप्रूवल आपसे मांगेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरे फ़ोन में OTP आ चुका है, इस OTP को मैं यहाँ पे डाल दूँगा और वेरीफाई कर लूँगा। तो जैसे मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तुरंत मेरे पास एक मैसेज आ गया अपॉइंटमेंट कैंसिल्ड सक्सेसफुली। तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में डालना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।